अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी जो है तकरीबन भी दोपहर के 2 बजे का टाइम हो रहा है और आज मैंने सुबह व्लॉग स्टार्ट नहीं की। सुबह व्लॉग स्टार्ट इसलिए नहीं की क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हमारी लाइट गई हुई थी रात की, जो कि अभी आई है। कम से कम भी 20 मिनट हुए हैं या 15 मिनट, तो इस वजह से अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट करी है लाइट आने के बाद, नहा धो के फ्रेश हो के सकून के साथ। और अभी अभी मेरे कज़न का फ़ोन आया था मेरे पास, फरहान का। उसको तो आप जानते ही हैं, उसके साथ मैं घूमता रहता हूँ और काम पर भी जाता था उसी के साथ। तो उसका फ़ोन आया था मेरे पास, वो कह रहा था कि यार अदनान, मैंने आज छुट्टी करी है तो अपन दोनों कहीं घूमने चलते हैं। मैंने उसको कहा कि भाई गर्मी हो रही है, घर से बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा। तो फिर भी मैंने उसको कहा कि देखते हैं, सोच के बताऊंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, ये तो खैर मैं बाद में देखूंगा। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और खाने का टाइम। सबसे पहले मैं खाना खाता हूँ। ये देखें इस वक्त सहन में कितनी धूप है और इधर कपड़े भी सूख रहे हैं, आधे आधे से ज़्यादा तो सूख गए हैं। बस थोड़ी बहुत मेरी पेंटें रह गई हैं जो के सूखने में टाइम लगता है क्योंकि मोटा कपड़ा होता है पेंटों का। और ये सीढ़ी मैंने इधर इसलिए लगाई हुई है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पानी भी आया था, जैसे ही लाइट आई थी तो हमने पानी भी भरा। पानी आया था तकरीबन भी इस बार आया 1.5 महीने के बाद और गधा गाड़ी भरवा रहे थे हम। ये देखें अभी अभी पाइप भी यहीं पर पड़ा हुआ है जो कि मैंने उठाया नहीं है। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और खाने का टाइम। पापा भी खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं और ये देखें, ये कल वाले खाना है, रात में पकाते हैं हम और वही दोपहर में खाते हैं। और आज मैं बाहर से लेकर आया हूँ रोटी, क्योंकि गर्मी थी, गर्मी की वजह से नेहा ने बोला कि बाहर से रोटी ले आओ, मैंने ही पका रही। अभी शाम का टाइम हो रहा है और अभी अभी मैंने नेहा को बताया कि फरहान का फ़ोन आया था मेरे पास, तो फरहान कह रहा था कि कहीं घूमने चलते हैं आज, क्योंकि उसने भी छुट्टी की है और मैं तो हूँ छुट्टी पर। तो वो कह रहा था कि तेरी वीडियो भी बन जाएगी और हम घूम फिर कर भी आ जाएंगे। तो मैंने नेहा को बताया कि, और पूछ भी रहा था कि आप चलोगी या नहीं। दिल तो मेरा भी कर रहा है वैसे जाने का, लेकिन मेरे को काम भी है, इस वजह से मैंने सोचा अब मैं नहीं जाती, आप चले जाएं, घूम फिर के आ जाएं, एंजॉय करें। खैर मैं तो कह रहा था कि हम दोनों जा रहे हैं तो आप भी चले जाओ, वो अपनी बाइक पे चले जाएगा और मैं आपको ले जाऊंगा। दिल तो कर रहा है लेकिन अब जब काम है तो अब उनको भी छोड़ के जा सकती है, अब पीछे कौन करेगा फिर। ये अभी कह रही है कि मुझे काम है और बाद में मुझे बोलेगी कि आप मुझे लेके नहीं गए, ये वो पापा से भी बोलेगी और मुझे भी। नहीं वो तो बस मैं आपको तंग करती हूँ, इस बार भी बोलूंगी, वो बस तंग करती हूँ। और जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो उस टाइम पे भी बोलेगी कि मुझे नहीं लेके जा रहे, या फिर उस टाइम पे हो सकता है इसका इरादा चेंज हो जाए। नहीं मैं पक्का बता रही हूँ मेरा इरादा चेंज नहीं होने वाला है, मेरे को काम है घर में। अच्छा अभी क्या काम है? अभी रोटी पकानी है, फिर उसके बाद खाना खाएंगे, फिर उसके बाद थोड़े बहुत ऐसे ही काम होंगे। आपको पता है आप खाना खाने के फौरन बाद निकलोगे। हाँ काम तो है, मैं खाना वगैरह खाऊंगा और फौरन चला जाऊंगा यहाँ से क्योंकि फिर वापसी भी आना है, रात हो जाएगी काफी इस वजह से। हाँ चलो ठीक है, फिर मैं आपके लिए जल्दी से खाना पकाती हूँ, हम भी खाएंगे जल्दी और आप भी खा लेना। आज तो खाना घर में तो पकाना नहीं है, बस रोटी पकानी है घर हाँ में, और बाहर से कुछ लेकर आ जाऊंगा तो उसी से हाँ ही खा लेंगे। चलें ठीक है, मैं बस रोटी पकाती हूँ और बाहर से आप सालन या कुछ और ले आना जो मिले। सही, रोटियां मैंने पका ली हैं सारी और भाई बाहर से लाए हैं कबाब। ये देखिए ये रहे कबाब और इसके साथ चटनी। और ये अरवी का सालन बचा हुआ था, ये भी साथ में हमने ले लिया है। और भाई घी लगा के रोटी खानी है या ऐसी? मैं तो घी लगा, घी काफी लगा है हमारे पास, घी लगाएंगे। चलें ठीक है, मैं मैं घी ला सुन के रहा देती घी लगा हूँ, दिया उसके बाद सही। घी लगा के खाते हैं। ठीक है हाँ घी से ना अच्छी लगती है थोड़ी। अभी हमने खाना भी खा लिया है और मैं जा रहा था तो नेहा कह रही है कि भाई मैं भी जाऊंगी। अब इसका भी दिल कर रहा है जाने को, पहले तो ये मना कर रही थी। मैं आप सबको बोल रहा था ना कि इसका इरादा बदल जाता है मेरा बाद जगह में इरादा ना। बदल गया है क्योंकि काम मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से खत्म करूंगी ना, तो बाद में फिर हम लोग चलेंगे। हाँ ये सोच रही होगी कि मैं वहाँ जाके झूला भी झूलूंगी, झूला झूल हाँ लूंगी, इसने सोचा होगा बाद में। तो अभी इसका दिल कर रहा है तो इसको पैसे भी भी ले लेके, लिए हाँ मैंने पापा से झूले के लिए जल्दी जल्दी से, इसलिए मैं तैयार हो गई। तो अभी मैं इसको भी लेकर जा रहा हूँ और हम लोग जल्दी से निकलते हैं क्योंकि
हमारा फरहान भी वहाँ पर इंतजार कर रहा होगा। चले ठीक है, बस मैं जल्दी से हाथ मुंह धोती हूँ, दुपट्टा पहन के फिर चलते हैं। सही, अभी मैं और नेहा ये फरहान को लेने यहाँ पर आ चुके हैं। फरहान बिल्कुल तैयार है, बस हमारा इंतजार कर रहा था। हैं? हमारी वजह से लेट हो गया। मैं क्या लेट हो गया, वो बस लाइट भी नहीं थी और मैं तैयार होना, तो किसी वजह से लेट हो गया। लाइट आई है। अच्छा, तो आप तो अकेले आ रहे थे, नेहा भी साथ आ गई है। मैं पहले अकेला ही आ रहा था, पहले नेहा ने मुझे बोला कि मैं नहीं जा रही, आप दोनों चले जाओ। फिर जब मैं आने लगा ना यहाँ पे बाइक वगैरह ही निकालने के लिए खड़ा हुआ था, तो मेरा मूड चेंज हो गया। इसका मूड चेंज हो गया, मुझे कहती है कि भाई मैं भी जाऊंगी, मेरा भी दिल कर रहा है, झूला वगैरह झूलूंगी, काफ़ी टाइम हो गया नहीं गई मैं। तो खैर चले, ये तो इसकी आदत है, ऐसी करती है। तो अभी हम चलते हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं पहले ही। अभी हम लोग पार्क में आ चुके हैं, और पार्क में आने के बाद जो नेहा ने झूला झूलना था और फरहान ने भी, वो झूला ही बंद है। तो हाँ, वो झूला बंद है, और अब इतना मूड खराब हो रहा है ना मेरा कि जिस झूले में झूलने के लिए आए थे वो झूला बंद है, अब दिल नहीं कर रहा है झूलने का, दिल कर रहा है वापस घर चले। हाँ, अब घर ही जाएंगे, क्या करें, या फिर देखते हैं कोई हमारे लायक बड़ा झूला होगा ना फरहान, तो वो झूलते हैं। एक कश्ती वाला झूला भी है, वो झूलते हैं। सही है, बस देखते हैं, अभी तो इंटर हुए, लेकिन इंटर होते ही वो सबसे बड़ा झूला है इसलिए वो दिखता है, इसलिए मूड खराब हो गया। हाँ, वो जो अच्छे वाला झूला था वो ही बंद है। हाँ। भाई नेहा यहाँ पर झूले पर बैठ चुकी है, इस झूले में कोई भी नहीं है अभी तो, लेकिन नेहा कह रही है कि भाई मुझे ये झूला झुलवाओ। अब मेरा दिल कर रहा है। हाँ, अब देखते हैं और लड़कियां या और बच्चे जमा होते हैं तो फिर झुला देंगे तुम्हारे को, वरना तो फिर ऐसे ही घर लेके जाऊंगा। चलो सही है, थोड़ी देर इंतजार करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, घर पे भी जाना है। अभी हम आए हैं दूसरे झूले में, जो झूला मुझे झूलना था उस झूले के पास कोई फैमिली आई नहीं, यानी कि वो झूला भरा ही नहीं, इस वजह से दूसरे झूले में आए हैं अपनी उम्र के मुताबिक, अब इस झूले में झूलेंगे। पहले नेहा मुझे कह रही थी कि बच्चों वाला झूला झूलना है, भाई आपको भी झूलाती हूँ और खुद भी झूलती हूँ, तो हमने बोला नहीं, तीनों एक ही झूला झूलेंगे ताकि खर्चा भी कम हो और झूला भी अच्छे वाला झूले। नहीं मैंने आपका खर्चा करवाना है, वो झूला लाजमी झूलना है, भले ये झूलूँ या ना झूलूँ, इसमें बैठ तो गई हूँ, अब झूलना तो है इसको भी। लेकिन अब हम नहीं झूलेंगे वाला झूला, आप ही झूलना, क्योंकि वो आपके मुताबिक हम झूलेंगे तो फिर चले ठीक है, अभी ये झूला झूलते हैं उसके बाद देखेंगे। अगर जनरेटर चालू हो चुका है और झूला भी इतनी तेज तेज चल रहा है ना, फरहान को और भाई को इतना डर लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा, मैं वीडियो बना रही हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। झूले से उतर गए हैं और भाई झूले वाले भाई को पैसे दे रहे हैं और बकाया वापस ले रहे हैं। अभी हम तीनों ने झूला खा लिया है और नेहा को तो बहुत ही ज्यादा मजा आया, क्योंकि ये जिद कर रही थी कि भाई मैंने झूला झूल के लाजमी जाना है। मुझे जो है बिल्कुल भी डर नहीं लगा, फरहान को इतना डर लगा है ना, फुल आंखें बंद की हुई थी, हम एंड में बोल रहे थे आंखें खोल लो, वो बोलते हैं नहीं भाई नहीं, मेरी बहुत हालत खराब हो रही है, मैंने नहीं खोली आंखें। डर नहीं, लेकिन होता है किसी को चक्कर आ जाते हैं, घबराहट सी हो जाती है झूले में, क्योंकि वो काफी तेज जाता है झूला ऊपर की तरफ और फिर नीचे आता है। लेकिन मुझे और भाई को तो बहुत मजा आया, और भाई को लगा थोड़ा थोड़ा डर, लेकिन हाँ मुझे भी थोड़ी बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन खैर अभी फ़िलहाल हम लोग जाते हैं कुछ खाने के लिए और फिर उसके बाद जाएंगे घर, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और घर पे भी जाना है। अभी हम बैठे हैं यहाँ आराम करने के लिए, थोड़ा सा खाना खाने के लिए, कुछ चरने के लिए, यानी कि यहाँ जो है बर्गर बना रहे हैं, अंकल को ऑर्डर दे दिया, एक बर्गर आएगा, अभी हम तीनों शेयर करेंगे एक दूसरे से, और यहाँ से अभी जूस भी लेना है हमने। और भाई मज़ा आया आपको? मज़ा तो बहुत आया। हाँ मज़ा आता है वैसे घूमने वाली जगहों पे। मुझे तो इतना नहीं आया। हाँ। तो आपके लिए आया था, मैंने बोला चलो आप खुश हो जाओ। और आपको आया मज़ा? मुझे मज़े के साथ ज़्यादा सज़ा मिली। फरहान को मज़े के साथ सज़ा भी मिली है, थोड़ा सा मज़ा मिले और थोड़ी सी सज़ा मिली। हाँ डर बहुत लगा, खैर कोई बात नहीं, होता है किसी किसी के साथ ऐसा, डर वो शर्म की बात नहीं है कि भाई मैं लड़की के सामने हो गया, डर लग गया, कोई बात नहीं, खैर है। दिनों बाद बैठो तो डर ही लगे। अभी हमने खाने के लिए भी मंगा लिया है और फरहान भी बैठ चुका है खाने के लिए और नेहा भी यहाँ पर बैठ चुकी है, ये अभी तस्वीरें बना रही थी, कैमरा ऑन किया मैंने तो इसने फ़ोन नीचे कर दिया। अच्छा हमने खाने के लिए मंगाया, एक बर्गर मंगाया, बर्गर एक इसलिए मंगाया क्योंकि हम खाना तो घर से खा कर आए थे, फरहान भी खा कर आया था, है ना? हाँ मैं भी घर से खाना खा के आया था। हाँ हल्का फुल्का खाने के लिए मंगवाया और हम भी घर से खाना खा कर आए थे, तो मैंने और फरहान ने सोचा कि एक बर्गर मंगा लेते हैं। थोड़ा बहुत भी ठीक है। हाँ
थोड़ा थोड़ा सा बर्गर खा लेंगे और उसके साथ में है केले का जूस, मज़ा आ जाएगा आज तो। अभी हम घर पर आ चुके हैं और आने के बाद घर की लाइट भी गई हुई है और अभी हमें सोना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।